SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। भारतीय जनता पार्टी की 29 संगठन मंडल में से 27 संगठन मंडलों में अध्यक्ष का चुनाव पूर्व ही हो चुके थे, लेकिन सारणी और चिचोली में मंडल अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अब दोनों रिक्त मंडलों में मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, जिससे कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल। भाजपा संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ की सहमति से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा सारणी में नागेंद्र निगम और चिचोली में उमेश पेठे को मंडल अध्यक्ष की पद नियुक्ति देकर घोषणा की। नागेंद्र निगम द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष पद की नियुक्ति लेने के बाद से सारणी के भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ। सभी बीजेपी पदाधिकारियों में नागेंद्र निगम को बधाई दी। सबसे पहले बाबा मनवर को नमन करते हुए मैं सभी अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को एवं कार्यकर्ताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सभी लोगों ने मेरा आज तक साथ दिया। और उनसे मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूं कि मुझे आगे भी साथ देने की कृपा करें। अगर मैं अकेला निकलूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक लकड़ी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर 10 लकड़ी हो जाएंगी तो एक गठ्ठा बन जाएगा और मजबूत हो जाएंगे, किसी के ताकत नहीं है कि उसको कोई हिला दे। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि मुझे यहां तक पहुंचाए हैं, आगे भी मेरा साथ दें, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय विधायक जी को, माननीय जिला अध्यक्ष जी को, माननीय खंडेलवाल जी को, और माननीय समस्त जितने भी सीनियर कार्यकर्ता हैं भाजपा बीजेपी के, चाहे वो जिले के हों, चाहे मेरे सारणी नगर के हों, चाहे पादकड़ा के हों, चाहे सुबहपुर के हों, चाहे बैतूल जिले कहीं के भी हों, सब ने मेरा साथ दिया है और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और समस्त पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरा सहयोग अभी तक करते आए हैं, और आगे भी अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी मेरा सहयोग करें। गठन की प्रक्रिया में हमारी भारतीय जनता पार्टी में यही चीज सबसे बहुत अच्छी है कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता जो है अपना नेतृत्व करता है और हर कार्यकर्ता की बात जो है सुनी जाती है। तो आज इससे पहले माननीय रंजीत सिंह जी थे, इसके बाद मेरा नंबर आया, मैं मंडल अध्यक्ष रहा। चूंकि ये घोषणा एक साल पहले ही हो रही थी, लेकिन कुछ कारण तकनीकी कारणों से ये घोषणा रुकी हुई थी। और चूंकि अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, और इस प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सारे संगठन की प्रक्रिया है, और संगठन की प्रक्रिया में हमारे प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने मिलकर जो है कल मंडल सारणी मंडल और चिचोली मंडल जो रुका हुआ था, दोनों मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई सभी कार्यकर्ताओं के अनुरूप। यहाँ तो ऐसा है कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आज एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, निश्चित तौर पर वे इसके योग्य होंगे और बहुत अच्छे से भी मंडल चलाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल सारणी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो छोटे कार्यकर्ता है, पार्षदगण है, सभी लोग साथ में मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एक सूत्र में बंधकर कार्यक्रम करती है, एक माला के रूप में बंधकर निश्चित तौर पर उनके गले में भारतीय जनता पार्टी विराजमान रहेगी। और वो हमारे मुखिया है, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी काम करेंगे और हर काम में हम सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हमारे नए मंडल अध्यक्ष को संपूर्ण सारणी मंडल की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सारणी मंडल और चिचोली मंडल जो बचा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको खाली स्थान को पूरा करके और हमारे पूरे प्रदेश में युवा नेतृत्व को मतलब दायित्व सौंपा है, और सभी जगह उनके प्रशिक्षण के भी काम चालू हैं, और हम लोग सब उनके साथ हैं, और ये मतलब आशा करते हैं कि वो मंडल को बहुत अच्छे से चलाएंगे और सब मिलकर उनको। अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष बैतूल होने के नाते बैतूल के सभी वरिष्ठ जनों का, सांसद जी का, विधायक जी का माननीय। आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। छोटे कार्यकर्ता है, पार्षदगण है, सभी लोग साथ में मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एक सूत्र में बंधकर कार्यक्रम करती है, एक माला के रूप में बंधकर निश्चित तौर पर उनके गले में भारतीय जनता पार्टी विराजमान रहेगी। और वो हमारे मुखिया है, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी काम करेंगे और हर काम में हम सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हमारे नए मंडल अध्यक्ष को संपूर्ण सारणी मंडल की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सारणी मंडल और चिचोली मंडल जो बचा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको खाली स्थान को पूरा करके और हमारे पूरे प्रदेश में युवा नेतृत्व को मतलब दायित्व सौंपा है,
और सभी जगह उनके प्रशिक्षण के भी काम चालू है और मुझे मैं हम लोग सब उनके साथ हैं और ये मतलब आशा करते हैं कि वो मंडल को बहुत अच्छे से चलाएंगे और सब मिलकर उनको सर अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष बैतूल होने के नाते बैतूल के सभी वरिष्ठजनों का सांसद जी का विधायक जी का माननीय हेमंत कुमार खंडेलवाल जी का जिलाध्यक्ष बबला शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारणी मंडल में आपने एक ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष नागेंद्र निगम जी को दिया है और मुझे आशा और उम्मीद है कि नागेंद्र निगम जी इस मंडल की जो परंपरा है उस परंपरा को बरकरार रखेंगे। बैतूल जिले में सारणी मंडल फिर से नंबर 1 कहलाए। सारणी से आशीष उघड़े की रिपोर्ट।